अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं टूनिसिया के शहर ट्यूनिस में खड़ा हूँ। पीछे आप मेरे समुंदर देख सकते हैं, मेडिटेरेनियन सी देख सकते हैं, और यहाँ पे जहाँ पे मैं ठहरा हुआ हूँ वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक मज़ेदार किस्म का एम्फी थिएटर बना हुआ है, जहाँ पे जिसकी तहखाने में मैं रह रहा हूँ। और हम यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए हैं, वेरी एक्साइटेड। ये वो कदीम जगह है जो जहाँ पे कार्थेज की सिविलाइजेशन थी, जिसने रोम से बड़ा मुकाबला किया। बाद में फिर ये रोम की ब्रेड बास्केट बन गई, यहाँ से बहुत एग्रीकल्चर वगैरह प्रोड्यूस होता था और तजारत वगैरह चला करती थी। और हाल ही की तारीख में ये वो जगह है, यानी प्रेजेंट हिस्ट्री में ये वो जगह है जहाँ से अरब स्प्रिंग्स शुरू हुई। तो आपको टूनिसिया के बारे में और भी बहुत कुछ बताऊँगा। ले जी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं मेडिटेरेनियन समुंदर के साथ खड़ा हुआ हूँ टूनिसिया में। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और धूप निकली हुई है। वैसे मौसम जो है वो इतना ठंडा नहीं है, मगर पानी भी बड़ा ठंडा ठंडा सा है और बड़ा काम सा सी है। इतना कोई बड़ी बड़ी लहरें नहीं है यहाँ पे, बड़ा अच्छा लग रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे खूबसूरत समुंदर, जो कि मेडिटेरेनियन समुंदर है। हम टूनिसिया की सड़कों पर फिर रहे हैं। ये मेरे साथ मेरे नेपाल के कॉमरेड बलराम भी हैं। हेलो जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपकी आशीर्वाद से बहुत अच्छे हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो हम जा रहे हैं जी मदीना सिटी वॉल्स को देखने, जो कि एक बड़ी मशहूर यहाँ की फोर्ट है और टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। आपको भी लेके चलेंगे, मज़ा आएगा। अब आप देख सकते हैं जी कि हम गलियों में से घूम रहे हैं। ये पुराना टूनिसिया जो है वो ऐसा लगता था, छोटी छोटी गलियाँ। शायद आपने कासाब्लांका जैसी फिल्में देखा हो, तो मैं तो यहाँ पे देख रहा हूँ, उसके थ्रू वॉक थ्रू कर रहा हूँ, और ऐसे महसूस हो रहा है कि हम वक्त के थ्रू भी वॉक थ्रू कर रहे हैं, वॉकिंग थ्रू टाइम। यहाँ पे एक पुरानी म्यूज़िक शॉप भी है, सीडीज़ की मुझे सामने नज़र आ रही, सुविनियर्स की शॉप भी है। और हम जो सिटी वॉल्स हैं उनको देखने जा रहे हैं। मदीना का मतलब आपको पता ना, तो सिटी है, शहर। तो यहाँ पे जो मदीना वॉल्स हैं उनको हम देखने जा रहे हैं, यानी कि शहर की जो पुरानी दीवारें हैं उनको देखने जा रहे हैं। मगर अभी हम जिस तरह के ओल्ड सिटी, लाहौर की ओल्ड सिटी, उसमें से जिस तरह क्रॉस करते हैं, तो ऐसा ही महसूस हो रहा है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पे इतनी आबादी नहीं है जितनी लाहौर शहर की आबादी है। नहीं जी, अब आप देख सकते हैं कि ये पुरानी, जो पुराना शहर था उसकी दीवारें मेरे पीछे हैं। हाँ, यस, वी कैन हैव सम स्ट्रीट फूड लेटर। तो हम पूरे शहर के अंदर से घूम के आए हैं, और ये इस तरफ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, खाने पीने की जगह हैं, लोग टूरिस्ट वगैरह आए हुए हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कसम से, क्योंकि मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि मैं तारीख में एक और जगह आ गया हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखें, यहाँ पर उनके जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनकी दुकानें शुकानें भी नज़र आ रही हैं। ये देखें जी, पुराने टूनिसिया का नज़ारा आपको करवा रहा हूँ। पीछे मेरे वो पुराने शहर की दीवारें हैं। मेरा वैसे ख्याल था कि दीवारें इससे बहुत बड़ी होंगी, मगर इतनी मैसिव दीवारें नहीं थी। ये पूरा पीछे आपको मेरे शहर का पुराना, सॉरी, मदीना और के शहर का पुराना क्वार्टर नज़र आ रहा है, यानी कि पुराना शहर नज़र आ रहा है। साथ पीछे वो समुंदर आपको नज़र आ रहा होगा, टूनिसियन फ्लैग भी यहाँ पर। बहुत बड़ा ये टूरिस्ट स्पॉट है, आप देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा जी यहाँ आके देख के पुराने शहर को। अब जब मैं हिस्ट्री की वो किताबें पढूंगा जिसमें मगरब का जिक्र होगा, जिसमें यू नो पुराने अरब क्वार्टर्स का जिक्र होगा, तो मेरे जहन के अंदर ये खूबसूरत अरब क्वार्टर्स होंगे, और मैं सोचूंगा नॉर्थ अफ्रीकन सिविलाइजेशन, नॉर्थ अफ्रीकन अरब सिविलाइजेशन के हवाले से मेरे जहन में एक तस्वीर होगी। ये जी, आप देख सकते हैं जो उनका पुराना किला है, वहाँ मैं चढ़ के जा रहा हूँ। वो यहाँ तो लिखा 8,000 दिनार का टिकट है, मारे गए। अभी देखते हैं कि अंदर जाने देते हैं या नहीं। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि मैं पुराने शहर की दीवारों के साथ चल रहा हूं, साथ मेरे खूबसूरत समुंदर है। टूनिसिया का थोड़ा सा आपको नज़ारा करवा रहा हूं। यहां बहुत सारे, क्या कहना चाहिए, टूरिस्ट वगैरह भी आए हुए हैं। ये देखिए, आपको अमेजिंग मेडिटेरेनियन सी नज़र आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है, और मौसम भी कमाल है। आप देखते हैं, मैंने तो जैकेट जुकेट उतार ली है, तो बहुत अच्छा लग रहा है।